मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आजकल द कश्मीर फाइल्स को लेकर मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इस फिल्म को लेकर लोग काफी चर्चे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस फिल्म के किरदारों पर भी अब काफी चर्चे होना शुरू हो गए हैं। कई बार लोगों को ये लग रहा है कि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उसे जरा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ था 1990 में उस सारी घटना को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं, भले ही कम कर जरूर दिखाया गया है। और अब इन किरदारों की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और लोग अब जानना चाह रहे हैं कि असल जिंदगी में ये किरदार आखिर कैसे है। तो चलिए अब मैं उस किरदार की बात करने वाली हूँ जिसकी चर्चा जो है वो काफी जोरों शोरों से हो रही है, और इस किरदार का नाम है राधिका मेनन। जी हाँ, राधिका मेनन का किरदार जो है वो द कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जी ने निभाया था, जो कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की वाइफ है। और अब इस किरदार के बाद लोगों ने ये जानने में दिलचस्पी दिखाई है कि आखिर राधिका मेनन है कौन और उन्होंने इस फिल्म में आखिर ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में राधिका मेनन जो है वो कैसी है। रियल लाइफ पे तो राधिका मेनन के किरदार को पल्लवी जोशी ने निभाया था और उनका कहना था कि इस किरदार को निभाना काफी मुश्किल था, क्योंकि ये जो किरदार था वो एक तरह से हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि कश्मीर अलग हो जाए। जी हाँ, राधिका मेनन जो है जानी मानी प्रोफेसर रह चुकी है दिल्ली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और उस समय उनका जो बयान था वो यही था कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए थी और कश्मीर जो है वो भारत का अलग हिस्सा है। जी हाँ, इस तरह के भड़काऊ बयान जो है वो राधिका मेनन ने दिए थे एक प्रोफेसर के नाते, और इस फिल्म में उस किरदार को बखूबी निभाया है पल्लवी जी ने। पल्लवी जी का कहना है कि इस फिल्म में जब वो रिसर्च कर रही थी तो वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को काफी नजदीक से महसूस कर रही थी, लेकिन इनका जो किरदार था वो एकदम अपोजिट था। इनका जो किरदार था वो कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ था, उस चीज को बढ़ावा दे रहा था, ताकि जो कश्मीर में जितने भी सिनेरियो हो रहे थे उस वक्त राधिका मेनन जो थी वो कश्मीर के आतंकवादियों के साथ डटकर खड़ी रह रही थी, और इस वजह से इस किरदार को निभाने में उन्हें काफी तकलीफें आ रही थी। लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज के बाद लोग जानना चाहते हैं कि असल जिंदगी में राधिका मेनन आखिर है कौन और उन्होंने उस समय आखिर ऐसा क्यों किया था और क्या किया था। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राधिका मेनन के जिंदगी से जुड़े कुछ सच, और साथ ही उस बयान के बारे में भी बात करेंगे जो उन्होंने लाखों स्टूडेंट के सामने दिया था। एक तरह से कहा जाता था कि उस समय वो स्टूडेंट को भड़काने का काम कर रही थी, और एक तरह से कश्मीर में जो भी मुद्दा उठ रहा था उस चीज में इनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो देश के नौजवानों को उस चीज के लिए उकसा रही थी। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यदि इंडिया ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकता है तो कश्मीर क्यों नहीं, यह डायलॉग पल्लवी जोशी ने किरदार प्रोफेसर राधिका मेनन का है। यदि किसी ने फिल्म नहीं देखा है तो भी इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राधिका मेनन का किरदार कैसा होगा। राधिका मेनन देश की राजधानी दिल्ली में बैठे कश्मीर में अलगावादियों की प्रवक्ता की तरह होती है, जो कश्मीर की आज़ादी की बात करती है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हजारों बच्चों को अपने ही देश के खिलाफ बरगलाकर कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग करती है, देश के गद्दारों और आतंकियों की पैरवी करती है। वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ती है जिससे कि अलगावादी किसी क्रांतिकारी की तरह प्रतीत होते हैं, भारतीय फौजी खलनायक की तरह नजर आते हैं। फिल्म में राधिका मेनन की दलीलें सुनने के बाद समझ में आता है कि 32 साल तक कैसे कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात को दबाए रखा गया, कैसे पूरा देश इतने बड़े नरसंहार के बारे में अभी तक जान नहीं पाया है।
आपको बता दें कि प्रोफेसर राधिका मेनन के किरदार में उन लोगों को उजागर किया गया है जिन्होंने कश्मीर के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव गढ़ा और आतंकियों के मददगार बने। राधिका मेनन के किरदार को देखकर तो मानो नफरत सी हो जाती है। यही उनके बेहतरीन अभिनय का परिणाम भी है। खुद पल्लवी भी कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किरदार निभाया ताकि मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय मेरे किरदार से नफरत करे। वहीं प्रोफेसर राधिका मेनन का किरदार असल जिंदगी में जवाहरलाल नेहरू में पढ़ने वाली प्रोफेसर निवेदिता मेनन से प्रेरित है। निवेदिता सेंटर फॉर कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थॉट की प्रोफेसर है। उन पर कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। साल 2016 में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहती हुई नजर आती है कि दुनिया में माना जाता है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा किया है। अक्सर ऐसे नक्शे प्रकाशित होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। देश में इस तरह की पत्रिकाओं को कभी जला दिया जाता है या फिर सेंसर कर दिया जाता है जिससे वो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती। जब दुनिया भर में कश्मीर पर भारत के गैरकानूनी कब्जे की बात हो रही है तो हमें सोचना चाहिए कि कश्मीर की आज़ादी नारा गलत नहीं है, यहाँ नारा एकदम जायज़ है। पल्लवी जोशी ने अपने किरदार के जरिए पूरी बात को इसी तरह बोला है। उनका मानना है कि लोगों को समझना होगा कि और ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि किस तरह कश्मीर और वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और अब इस मूवी में जो किरदार पल्लवी जोशी ने राधिका मेनन के नाम से निभाया है वो असल जिंदगी में एक प्रोफेसर निवेदिता मेनन के नाम से प्रेरित है। और इसके बाद से लोग जो है वो असल जिंदगी की प्रोफेसर निवेदिता मेनन के बारे में जानना चाहते हैं और उनके बयान के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने हजारों स्टूडेंट को ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दिए। वहीं फिल्म के रिलीज के बाद अब इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि फिल्म में देखा गया है कि साफ तौर पे ये जो कैरेक्टर है वो दिल्ली में बैठ के कैसे कश्मीर में हो रहे नरसंहार पर अपनी राय देती है और कैसे लोगों को कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जायज़ है। और यहाँ पर वो जो कश्मीर में आतंकवादी है उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है और उन्हें एक तरह से क्रांतिकारी के रूप में वो प्रकट करती हुई नजर आ रही है। यूं तो निवेदिता मेनन अपने आप को फेमिनिस्ट बताती है लेकिन इस तरह के बयान वो अक्सर देती हुई नजर आती है जहां पर औरतों के बारे में बात की जाती है। हिजाब मुद्दे पर भी उन्होंने हाल ही में टिप्पणी दी कि ये फैसला गलत है। जब आप एक फेमिनिस्ट हो तो आपको फेमिनिस्ट के जरिए से देखना चाहिए कि क्यों हिजाब लड़कियों को पीछे आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन इस बयान पर भी ये साफ नज़र आता है कि राधिका मेनन जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के खिलाफ है और उनका हमेशा से लोगों के और युवाओं और छात्राओं को भड़काने का काम है और ऐसे आरोप भी उन पर लगातार लगते आ रहे हैं। और अब फिल्म रिलीज़ के बाद दर्शक जानना चाहते हैं कि असल जिंदगी में निवेदिता मेनन जो किरदार राधिका मेनन का है वो कैसा है। और फिल्म के रिलीज़ के बाद अब ये बात काफ़ी चर्चे में आ गई है और निवेदिता मेनन पर भी लाखों सवाल उठ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ राधिका मेनन की कहानी क्या रही है। राधिका मेनन यूं तो अपने आप को एक फेमिनिस्ट कहती है कि वो एक प्रोफेसर है लेकिन उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को सपोर्ट किया था और ये कहा था कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए भारत से और कश्मीर कभी भी भारत का एक अंग नहीं बनना चाहिए, इस तरह के भड़काऊ बयान से उस समय राधिका मेनन ने लाखों छात्र छात्राओं को अपने और कर लिया था और जिस वजह से ये जो पूरा मुद्दा है वो काफ़ी भड़क उठा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। धन्यवाद।